हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक है फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है और मोटो का फोन है। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप ओपन करना है एंड इसके बाद लास्ट में दिखते सिस्टम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। एडवांस का ऑप्शन भी क्लिक करेंगे, रीसेट ऑप्शन भी क्लिक करना है एंड आपको यहाँ दिखता है रीसेट ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट। इसका मतलब होता है फोन को रीसेट करना एंड दोनों ही आप कह सकते हैं जैसे फैक्ट्री रीसेट करना, फोन को रीसेट करना एक ही बात है। एंड फोन को रीसेट तब करते हैं जब आपका कोई जैसे कि लॉक भूल जाते हैं, तो उसे तोड़ने के लिए रीसेट किया जाता है फ़ोन को। और थोड़ा हैंग करो फ़ोन, ये ज़्यादा ही हैंग करो मतलब और हैंग करो या जस्ट लैग करो आपका फ़ोन, तो आप इस तरीके से और लैग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से फ़ोन को रीसेट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो भी आपके फ़ोन में होता है। एंड तभी रीसेट करते जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, वैसे नहीं करे। एंड और इस पर क्लिक करते आपका रीसेट हो जाएगा, पर मैं नहीं करी क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम सही है। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप रीसेट करें, बट इस पर क्लिक करने से पहले इन बातों को ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें आपका योर गूगल अकाउंट दिखता है, सिस्टम ऐप डाटा एंड डाउनलोड ऐप्स, म्यूजिक, फोटोज़, कॉन्टैक्ट नंबर, अदर डाटा है आपके फ़ोन में, तो ये सब चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाता है, वो वापस नहीं आता। एक बार हट गया तो फ्रेंड्स ये ध्यान दिया जाता है, तभी रीसेट कर सकते हैं या फिर ये सब चीज़ दूसरे फ़ोन में शेयर करके आप रीसेट कर सकते हैं। बट अगर आपका एक ही फ़ोन है तो आप रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट तब करें जब आपके बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तब, एंड इस पर क्लिक करते ही रीसेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं, बट मैं नहीं हटा रही क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम सही है। अगर आपको लगता है सही नहीं है तो आप रीसेट करें, एंड वैसे ही नहीं है फ़ोन एकदम सही है तो आप इसी तरीके से फैक्ट्री रीसेट करेंगे। एंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।